फिटनेस और 10 साल पुरानी टैक्सी गाड़ियों को हटाने के विरोध में घोषित चक्का जाम का असर विकास नगर के पछुआ दून में देखने को मिला है। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन ने उपजिला अधिकारी विकास नगर के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक ज्ञापन सौंपा है, तो एआरटीओ प्रशासन मनीष तिवारी, आरटीओ ढलीपुर को भी दो भारतीय आपको बता दें कि किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि विकास नगर क्षेत्र ढालीपुर में एआरटीओ कार्यालय पर कमर्शियल वाहनों की फिटनेस की व्यवस्था चली आ रही थी, जिसको सरकार व परिवहन विभाग द्वारा ढालीपुर एआरटीओ से लाल तप्पड़ क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है, जिससे पछुआ दून क्षेत्र के कमर्शियल वाहन स्वामियों में रोष है और कहा कि बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा एक बार चार्ज करने पर मात्र 40 से 50 किलोमीटर तक चल पाती है, जिससे विकास नगर क्षेत्र से लाल तप्पड़ क्षेत्र की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो इस कारण वहां से ई रिक्शा जाना संभव नहीं है और ई रिक्शा एक हल्का वाहन होने के कारण हाईवे पर चलने के लायक नहीं है, जिससे कि जान माल का नुकसान होने का खतरा बना रहेगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। समस्या यह है कि हमारी रिक्शा डोई वाला फिटनेस के लिए नहीं जा सकती। हमारा सेंटर यही होना चाहिए ई रिक्शा का, और आगे समस्या अगर ये सरकार हमें नहीं सुन रही तो हम आंदोलन भी करेंगे। जो ये फिटनेस का जो ये आरटीओ दफ्तर है, ये जो डोई वाला शिफ्ट किया जा रहा है वाले हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत है क्योंकि हमारा रिक्शा डोई वाला फिटनेस में नहीं जा सकता है। ये है कि जो आरटीओ ऑफिस है वो हमारा यहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं, जो भी इनका हाल ही में एक फैसला लिया गया, जो ढालीपुर हमारा फिटनेस सेंटर होता था उसको चेंज करके इन्होंने लाल तप्पड़ क्षेत्र में कर दिया है, जिससे यहाँ की जनता में जो भी कॉमर्शियल व्हीकल हैं, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, यूटिलिटी वाले, पहाड़ी क्षेत्र वाले, इसको देखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पहले की स्थिति थी फिटनेस सेंटर की, उसे ऐसे ही चलने दें, अन्यथा पब्लिक इसका विरोध करेगी और भारतीय किसान यूनियन बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगी।